हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप लोगों ने गोभी मंचूरियन बहुत सारे तरह तरह के ठूसे होंगे, लेकिन आज है ना लहसुनी गोभी मंचूरियन बनाएंगे। मंचूरियन नहीं है, बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। अब आगे देखिए कि क्या बनने वाला है। बहुत अच्छी रेसिपी है, झट से बन जाएगी और कोई ज्यादा ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा एकदम, तोड़ दीजिएगा एकदम बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू सो मच, जरूर देखिए वीडियो, चक दे फट। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक गोभी। तो 300 ग्राम गोभी ली है मैंने और इसके थोड़े ऐसे बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हें वॉश करना है। अब मेरे बिना बोले तो आप वॉश करोगे नहीं, तो हम वॉश कर लेंगे इसे अच्छी तरह, एक दो पानी से इसे वॉश कर लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो देख लीजिएगा, वरना अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वेजिटेरियन है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना और छान के निकाल लेना, पानी मतलब गिर जाना चाहिए पूरा, ठीक है। अब एक बाउल में निकाल लिया मैंने, इसमें सोया सॉस डाल दिया है, एक चम्मच के जितना सोया सॉस, एक चम्मच जितना विनीगर डाल देंगे इसमें। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच भर के, अच्छा कलर आएगा इसमें। हम कोई फूड कलर वगैरह नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पहले इसे अच्छी तरह टोस्ट कर लेंगे ताकि मसालों की अच्छी तरह कोटिंग हो जाए हमारी गोभी पे, ठीक है। अच्छी तरह चारों तरफ, बस ज़्यादा मसाला ना मत, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर डाल देना है लगभग 5 बड़े चम्मच के जितना कॉर्नफ्लावर डाल देना है आपको। और फिर हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि कॉर्नफ्लावर है ना इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। अच्छी तरह आपको हल्के हाथ से मिला लेना, बट ज़्यादा पानी मत डालना। ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो चुकी है। अब सिंपली पहले मैंने हाई फ्लेम रखा है, हाई फ्लेम करके हम एक एक करके ये हमारी गोभियाँ जो हैं हम इसमें डाल देंगे, और बस सिंपल सा है, इसे आपको डीप फ्राई कर लेना है पकने तक, पूरी तरह पक जाना चाहिए उतना डीप फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी हो जाएगा। फिर इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने एक चम्मच के जितना ऑयल छोड़ दिया, ऑयल कम लेंगे अभी। 2 बड़े चम्मच मैंने चॉप की हुई लहसुन डाल दी है, ठीक है। अब लहसुन का आपको 10 सेकंड तक पकाना है, याद रखिए ब्राउन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह नहीं पकाना है, 10 सेकंड से ज़्यादा मत पकाइएगा, ठीक है। फिर सेजवान चटनी 2 चम्मच डाल दीजिएगा, इसकी भी रेसिपी अपलोड है, आप प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। ग्रीन चिली सॉस ये भी 2 चम्मच आपको डाल देना है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये सोया सॉस 1 चम्मच के जितना आपको इसमें डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लगभग 3 से 4 चुटकी मतलब 1/4 चम्मच के जितना, और इसे अच्छी तरह मिला लेना। नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉस में, सेजवान सॉस में नमक बहुत है और स्पाइसी हमने इसे कर ही दिया है, ठीक है। ये हम गोभियाँ डाल देंगे और हाई फ्लेम रखना है आपको, और सिंपली बस इसे कोट कर लेना है। ये कोई इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं रहेगी, इसकी बढ़िया सी यमी सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी, जो जिसे देख के ही आपको खाने का मन करेगा। ऊपर से थोड़ा छिड़काव कर दीजिएगा, हरा धनिया का हरियाली आ जाएगी, और फिर इसे मिला लीजिएगा, मतलब अच्छी तरह मिला लेना हल्के हाथ से, गैस बंद कर देना है अब आपको, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखा कितना झटपट रेसिपी है, मतलब मिनटों में बन जाएगा अगर आप चाहें तो। देखिए 10 से 15 मिनट में तो ये रेसिपी बनके तैयार हो ही जाएगी, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, ट्राई करके बताइएगा कैसी बनी है। और अभी जो है ना, अभी मेन काम रह गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा मुझे ठूंसते हुए देखना, देखो कैसे घपाघप ठूंसेगा अभी, दिखा दिखा के ठूस रहा है कमीने, तेरे को मतलब कीड़े पड़ेंगे ना, मुझे भी देना थोड़े, हाँ बस कर फट जाएगा।